अपनी गाड़ी के नीचे झाड़ू लीजिए, नरेंद्र मोदी की सफाई कीजिए आप यहाँ पर, आप गंदगी फैलाएंगे हम सफाई, आप तभी ना नरेंद्र मोदी बनिएगा, आप भी देश का विधायक बनिएगा, एमपी एमएलए बनिएगा, झाड़ू लीजिए, साफ कीजिए रोड पे, तो आप गंदगी फैलाएंगे, अरे आप करिए ना, हम साफ करेंगे, हम साफ करेंगे, आप देश का महान बनिए, आप पैसा कमाएंगे और गंदगी फैलाएंगे। ये भाई साहब हैं, ये यहाँ पर बेच रहे हैं, ठीक है, और इनके गाड़ी के नीचे दुनिया की पॉलिथीन पन्नी गंदगी पड़ी हुई है, और जब हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये क्यों पड़ी है, सामने डस्टबिन है, इसको ठीक कर लो, यहाँ पे उठा के डाल दो, तो उल्टा उसको जस्टिफाई करें, बगल में डस्टबिन है, देखिए ये डस्टबिन है, और इधर दिखाइए ये दुकान, ये इनकी दुकान है, बिल्कुल ये पास में दुकान है, एक एक मिनट मतलब एक सेकंड का भी दूरी नहीं है, एक कदम की भी, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये भाई साहब, कह रहे हैं कि घर में गंदगी है, और आपने सुनी लिया वीडियो में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन इसको सफाई करने की बजाय, अपनी गलती की मानने की बजाय, दुनिया की लेक्चरबाजी कर रहे हैं कि मोदी बन जाइए, ये बन जाइए, तो मैं देखता हूँ कि भाई ने ये सारा साफ कर चुका है, खुद अपने हाथों से उठा के उसने डस्टबिन, यानी कि जो डस्टबिन रूपी जो यहाँ पर इसने रखा हुआ है उसमें सारा भर दिया है। तो भाई बहुत अच्छा लगा यार तुम्हें देख के, तुमने तुरंत ही साफ कर दिया था, तुरंत ही साफ कर दिया, तुरंत ही साफ कर दिया, हमने आपको वीडियो बनाई यहाँ पर समझाया तो उसका समझ आ गया आपको, है हाँ जी, बहुत अच्छा लगा यार तुमने, मतलब अपने हाथ से भरा किसी और से भरवाया, अपने हाथ से भरा, खुद तुमने भरा, खुद भरा, अब ये लोग जो खा रहे हैं कस्टमर लोग, इनको क्या बोलोगे, हम डाल डस्टबिन में बोलोगे, इनको बोलेंगे, और जो लोग आएंगे सबको बोलोगे, सबको बोलेंगे, बहुत अच्छा यार, शाबाश यार, ये बदलाव की शुरुआत है हमारी वीडियो से, एक बंदे के अंदर मैं मौजूद हूँ, वो जगह है लाल किला, यानी कि भारत का वो लाल किला, ये दिखाइए मेरे पीछे वो लाल किला आप देख सकते हैं, और मैं चांदनी चौक लाल किले के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, आइए आपको लाल किला, जो भारत की आन बान शान है, जहाँ पर देश विदेश के लोग घूमने आते हैं, विदेशी लोग भी घूमने आते हैं, उस लाल किले के आसपास का माहौल कैसा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं कि देश में सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, जो लोग विदेशों में घूमने जाते हैं और ये आकर कहते हैं कि भारत की सड़कें गंदी हैं, भारत में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आइए उनको मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा कि भारत को गंदा करने आता कौन है। आप ये दिखाइए, ये दिखाइए, आसपास गुटखा खा खा के लोगों ने थूक थूक कर रखा हुआ है, यहाँ पर ठेली रिक्शा वालों ने, इधर दिखाइए, इधर ये दिखाइए, ये देखिए लाल किले का हाल, भाई साहब कौन थूकता है यहाँ पे गुटखा खा के, आप लोग लगाते हो ठेली वेली यहाँ पर, ठेली वगैरह आप लगाते हो ना, ये दिखाइए जरा जूम करके नीचे दिखाइए, ये सामने वही दिखा रहा हूँ वही की ये लाल किला है जहाँ पर विदेशी लोग घूमने आते हैं, इधर दिखाइए, ये जनता यहाँ पर खा खा कर, देखिए डस्टबिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कचौड़ी वाले भाई साहब यहाँ पर कचौड़ी बेचते हैं, अपना रोजगार करते हैं, नीचे गंदगी दिखाइए, पहले साइकिल के नीचे गंदगी दिखाइए एक बार, हम खाने हैं, बेचने कौन आया है, अब आप बताओ, ये आप बेच रहे हो, एक डस्टबिन रख लोगे तो क्या हो जाएगा बाबूजी, लगा उठा देंगे, फिर ये नीचे उठा देंगे बाबूजी, लगा उठा देंगे यार, नहीं उठा दोगे लेकिन गंदगी कितनी हो रही है, देखो ना हमारा आपका रोजगार चल रहा है, आपको रोजगार चल रहा है ना, रोजी रोटी मिल रही है इसी वजह से, अगर यहाँ पे कल को कोई खड़ा नहीं होने देगा तो आपका रोजगार कहाँ जाएगा, तो बस है ना, कैसे आपके बच्चे का पेट पलेगा, कैसे आपका घर का खर्चा चलेगा, और अगर ऐसी गंदगी रहेगी तो क्या होगा। अब ये दिखाइए, ये भाई ने झाड़ू लगाना शुरू किया है, मैं देखते हुए ये भाई ने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू किया, चलिए अच्छा लगा आपने झाड़ू लगाना शुरू तो किया कम से कम, है ना, ये यहाँ पर चाउमीन की ठेली लगाते हैं, और ये दिखाइए यहाँ पर, दिखाइए इस तरह से यहाँ पर जगह जगह पर गंदगी इकट्ठी होगी, आप एक बड़ा डस्टबिन क्यों नहीं रखते यहाँ पे, डस्टबिन है ना सर, तो फिर ये यहाँ पर क्यों लगा रखा है, वो मेरे आने से पहले रहा था भाई साहब, किसने, ये आपकी चाउमीन की नहीं है प्लेट, अरे कस्टमर का कौन रोक पाएगा, तो जहाँ चाहेंगे वहाँ फेंक देते भाई साहब, देखो मैं आपको बता दूं, देखिए आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, अगर आप कस्टमर को नहीं रोकेंगे तो सरकार और ये दिल्ली प्रशासन आपको रोक देगा यहाँ लगाने से, है ना, दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली पुलिस को आप पैसा देकर लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं रोकेंगे गंदगी करने से तो आपको सरकार रोक देगी, ऐसे गंदगी, ये भारत की छवि लेके जाएंगे। आइए और आगे आपको दिखाता हूँ, आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ, सही बोल, यहाँ पर विदेशी लोग घूमने आते नहीं आते, जी जी जी, वो भारत की ये छवि लेके जाएंगे, पूरा दिखाइए, ये गलत है, ये हैं गलत है, सफाई कौन गंदगी करने आ रहा है, विदेशी लोग गंदगी कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, हैं हम, और ये भाई साहब अगर यहाँ पर सब लोग बेच रहे हैं, मैं इनकी नहीं कह रहा हूँ, सब लोग ही बेच रहे हैं यहाँ पर, अपनी ठेली लगा रहे हैं, अपना रोजगार पा रहे हैं, अगर ये डस्टबिन बड़ा डस्टबिन रख लेंगे, सफाई रखेंगे तो गलत है, कुछ सही है, कुछ गलत है भाई, बात सही है भैया आपकी, अगर हम हमारा देश को साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, बात सही भैया, आप दिखाइए मेरे आसपास, भाई साहब आप चाउमीन खा रहे हैं, अगर ये लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, दिक्कत होगी भाई साहब, है ना, दिक्कत होगी, आपको 10-20 रुपए मिल जा रहा है वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है सफाई करना, बिल्कुल इन्हीं की जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, रोजगार इनको मिल रहा है तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, है ना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना कोई, हम तो खाएंगे भाई साहब, डस्टबिन होगा तो डस्टबिन में डालेंगे, और नहीं होगा तो जहाँ डल्ला है वही डालेंगे, और इससे देश गंदा होगा, वो तो होगा ही होगा, है ना,
आइए आपको और दिखाता हूँ, चारों तरफ का हाल दिखाता हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आइए आपको और भी आगे दिखाता हूँ किस तरह से तमाकू थूक थूक के। चलिए एक बार को समझ में आता है, ये भाई साहब ने अभी बटोर दिया थोड़ा बहुत, बाकी आपको उम्मीद करूंगा ये पूरा साफ करके जाएंगे आप। हाँ ठीक, पूरा पूरा साफ करके जाएंगे और आगे से डस्टबिन रखेंगे। और लगा बाबू जी, नहीं देखो ये जो नींबू वीबू है ना, ये कस्टमर ने नहीं फेंके, ये आपने काट काट के डाले। वो तो कोई ना फेंक देंगे बाबू, हटा देंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? ये आपने डाले, देखो आप नहीं करोगे ना तो दिल्ली प्रशासन, जो दिल्ली पुलिस है ना, जो आपको पैसा लेके लगाने दे रही हो कुछ भी, मुझे पक्का पता है पैसा तो ले रही होगी, लेकिन मीडिया यहाँ पे आएगी, दुनिया को दिखाएगी तो फिर पुलिस भी लगाने नहीं देगी और आपका रोजगार भी छिन जाएगा, कैसे गंदी करोगे। अब इस पानी के नीचे गंदगी दिखाइए, इधर दिखाइए यहाँ पे जूम करके, ये पानी वाली रेडी लगी हुई है, इसके नीचे गंदगी आप देखिए भाई साहब। ये है दिल्ली की, ये दिल्ली की वो दिल्ली का वो जगह है लाल किले के बिल्कुल सामने, इधर लाल किला दिखा दीजिए एक बार, ये लाल किला है और इधर हमारी पब्लिक दिखा दीजिए जो घूमने आई हुई है। अभी विदेशी लोग भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, ये तभी तो विदेशी लोग कैमरा, बड़े बड़े कैमरा लेकर आते हैं, वो क्या शूट करते हैं, वो यही सब शूट करते हैं, वो ये नहीं दिखाते कि लाल किला कितना बड़ा है, लाल किला कितना सुंदर है, वो ये सब शूट करते हैं, ये दिखाइए, ये सब शूट करते हैं और विदेशों में दिखाते हैं आके कि भारत की छवि देखो, भारत कितना गंदा है। और इधर देखो ये डस्टबिन लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पन्नियां इसके नीचे पड़ी हुई, इसके नीचे अगर आप पब्लिक को नहीं समझाएंगे तो इसके लिए वेलफेयर है, बहुत सारे सोसाइटियां हैं, बहुत सारे संस्थाएं, समझाएगा पब्लिक को, वेलफेयर का काम है। और क्या, और क्यों क्या, आपका कोई काम नहीं है, आप करते रहिए, आप फ्री हैं, आप करते रहिए, तो आपको कोई काम नहीं, बस यही सब काम है। और राष्ट्रीय चैनल दिखाइए, अभी वहाँ संभल वाला दिखाइए और दुनियादारी दिखाइए, ये आप उसके लिए आपको कोई नहीं है, ये पटरी है, वो है इधर पटरी वाले मिलता है आपको, गंदगी आपके घर का गंदगी साफ नहीं तो दुनिया के लिए साफ करने, तो यहाँ के आपके दीवार के पीछे लोग पेशाब करता था, वो साफ नहीं हो पा रहा, हमारे साफ करने आया। अच्छा, पेशाब की वाली भी हम कवर, आओ तो और क्या, वो भी हम कवर करते हैं, आपका अपना घर तो साफ होता होगा ना, दुनिया साफ करने चले जाओ। देखो ये जो गंदगी फैली है, नहीं अपने घर की बात कीजिए, आपका अपना घर का, हमारा घर नहीं है, क्या हमारा घर नहीं है, ये क्या आपका अपना घर का गंदगी साफ होता है, यहाँ गंदगी साफ रोड में करते हैं, रोड पर गंदगी साफ, आप घर में, आप घर में भी ऐसे, आप चल ठीक है, घर में ऐसे फैलाते हैं, आप अपना पल साफ कीजिए, अपना साफ कीजिए, अम्बल पैसे कितने कमाते हो यहाँ से पैसे कितने कमाते हैं आप, ये टारगेट करना चाहते हैं आप, टारगेट नहीं फुल टारगेट, फुल लाइन में बोल रहा हूँ, देखिए देखिए मेरा काम, देखिए आप ना आप गंदगी को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप गंदगी को जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई करिए, खूब करिए, भी जाएंगे दरियागंज, दिल्ली करते जाइएगा, उधर भी जाएंगे, मतलब मालते जाइएगा सर, जो एक 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 जो सफाई के लिए हम बोल रहे हैं उसमें आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ये स्वीकार नहीं कर रहे कि यहाँ गंदगी है, आप ये कह रहे हैं कि घर में क्या पब्लिक करता है, हमने की सामान तो आपसे ले रही है ना पब्लिक, हमारे यहाँ 3200 दुकान है यहाँ पे रोड आर पर सर, 3200 दुकान, दूर का छोड़िए, आपकी गाड़ी के नीचे जो है वो कौन कर रहा है, आपकी गाड़ी के नीचे जो कूड़ा है, अरे जाइए ना वहाँ कीजिए ना जहाँ मारा आपको करना, और काम नहीं है क्या, आपकी गाड़ी के नीचे जो गंदगी है वो कौन, बहुत सारी आपकी गाड़ी के नीचे इतना कूड़ा, घर का अंदर का गंदगी साफ नहीं हो पा रहा, दुनिया का साफ कर सर, ये आपकी गाड़ी के नीचे दूर में नहीं है, ये देखिए घर का गंदगी साफ कर रहे हैं, ये भी हमारा घर ही है, ये हमारा घर है, इसीलिए आए हैं, हमारा काम है, ठीक है, ये हमारा घर है, आपने अपनी गाड़ी के नीचे सफाई कीजिए आप, यहाँ पर आप गंदगी फैलाएंगे, हम सफाई, आप तभी ना नरेंद्र मोदी बनिएगा, आप भी देश का विधायक बनिएगा, MP बनिए, झाड़ू लीजिए, साफ कीजिए रोड पे, तो आप गंदगी फैलाएंगे, अरे आप करिए ना, हम साफ करेंगे, हम साफ करेंगे, आप देश का महान बनिए, आप पैसा कमाएंगे और गंदगी फैलाएंगे। ये भाई साहब हैं, ये यहाँ पर बेच रहे हैं, ठीक है, और इनके गाड़ी के नीचे दुनिया की पॉलिथीन पन्नी गंदगी पड़ी हुई है, और जब हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये क्यों पड़ी है, सामने डस्टबिन है, इसको ठीक कर लो, यहाँ पे उठा के डाल दो, तो उल्टा उसको जस्टिफाई करें, बगल में डस्टबिन है, देखिए ये डस्टबिन है, और इधर दिखाइए, ये दुकान, ये इनकी दुकान है, बिल्कुल ये पास में दुकान है, एक एक मिनट मतलब एक सेकंड का भी दूरी नहीं है, एक कदम की भी, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि घर में गंदगी है, और आपने सुनी लिया वीडियो में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन इसको सफाई करने की बजाय, अपनी गलती की मानने की बजाय, दुनिया की लेक्चरबाजी कर रहे हैं कि मोदी बन जाइए, ये बन जाइए, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन रहे हैं, नहीं वो मान कर रहे हैं, गलती नहीं मान, मान जाएगा, मान जाएगा, मान जाएगा, हैं क्या कह रहे हैं आप, भैया ये आपका घर नहीं है, देश आपका घर नहीं है, अरे ये देश का बनिएगा, प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, आप तब साफ कीजिएगा, आप झाड़ू लीजिए, कुर्ता पहन लीजिए, साफ कीजिए, तब आप फोटो तब अपना खिंचवाइए आप, अच्छा आम आदमी की, आप तो नेशनल चैनल कुछ है या गरीब पट्टी वाले, आम आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, आप देखिए आम आदमी की इनके कोई जिम्मेदारी, इनकी कोई महान बनिएगा,
जरूर बनिएगा महान आप, कुछ कुछ जरूर बनिएगा ये सब करके। पटरी वालों से सवाल हो जाए पूछ करके, महान जरूर बनिएगा आप। पटरी वालों का काम सिर्फ गंदगी फैलाना। सवाल ये है कि लोग रोड पर कूद करके जा रहा है, रास्ता नहीं खोल रहा पीडब्ल्यूडी, ये आप नहीं उठा सकते क्योंकि उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। पब्लिक रोड पे चढ़ कर तरफ पे कूदता है, उस साइड गिरेगा मरेगा क्या होगा वो आपका कोई सवाल नहीं है। आपको गरीब पटरी वाले से सवाल है, सवाल नहीं है। सवाल क्या है देखिए, सवाल ये है कि पीडब्ल्यूडी बीच में डिवाइडर बना रहा है, बड़े बुजुर्ग महिला सारे इस पर रोड पर चढ़ करके कूद रहा है। हम लोग आए दिन आवेदन दिए हुए पीडब्ल्यूडी की, ये रास्ता नहीं खुल रहा है, बड़ा मुश्किल से। तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना, उसके लिए आप पब्लिक नहीं है। डिवाइडर तो सेफ्टी के उसके लिए पत्रकार है ही नहीं, सेफ्टी है तो पब्लिक जाए कहाँ भैया। अगर पब्लिक कहाँ जाए अगर यहाँ पे डिवाइडर नहीं बनाए, उसको बंद करने से पहले उसको रास्ता पर जीना देना चाहिए। उसमें कुछ करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक यहाँ से क्या 5 किलोमीटर वहाँ जाकर रोड क्रॉस करेंगे, कहीं ना कहीं आप दीजिएगा। दरियागंज रोड डिवाइडर में रोड दिया हुआ कि नहीं, जहाँ दरियागंज रोड डिवाइडर है वहाँ पर रास्ता दिया हुआ है कि नहीं दिया है। जहाँ दरियागंज रोड पर ऐसा ही डिवाइडर है वहाँ रास्ता दिया हुआ है कि नहीं है, यहाँ भी देना चाहिए पब्लिक को। पब्लिक वहाँ दरियागंज से रोड पार करेगी, ये खबर आपको नहीं देना है, ये खबर आपको नहीं देना है। लाल किले के सामने ये खबर आपको नहीं, लाल किले के सामने क्रॉसिंग है, कोई नहीं क्रॉसिंग है, वो बंद रहता क्रॉसिंग, कोई क्रॉसिंग नहीं है, बंद रहता हूँ, कोई क्रॉसिंग नहीं। तो ये जो ये पीडब्ल्यूडी वाले जो कर रहे हैं वो सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे। पीडब्ल्यूडी वाले को रास्ता भी देना पड़ेगा, पब्लिक है तो रास्ता भी देना पड़ेगा। नहीं दिया है तो पीडब्ल्यूडी वाले अपने ही रोड को दरियागंज में जाकर देखे, उन्होंने दिया है रास्ता नहीं दिया है, ऐसा ही रोड वहाँ भी है, उसने क्यों दिया रास्ता? अगर वहाँ दिया तो पब्लिक यहाँ भी है, यहाँ भी रास्ता देना चाहिए। इस बात को आपको उठाना चाहिए, वो भी उठाएंगे। आप कब उठाएंगे? एक बात बताओ, कब उठाइएगा? एक बात बताओ, अरे दूसरे की गलती दिखाकर हम अपनी गलती छुपा, कब उठाइएगा? दूसरे गलती दिखाकर कब उठाइएगा? दूसरे गलती दिखाकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गरीब पटरी वाले को छोड़ करके पहले उसका मुद्दा उठा लीजिए। गरीब पटरी वाले को हम उठा नहीं रहे, गरीब पटरी वाले को उठा नहीं रहे हम। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, उठेगा ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि सफाई रखो, उठेगा नहीं। हम ये कह रहे हैं सफाई रखो। कहाँ पहले उस मुद्दा उठाइए, पब्लिक मर रहा कूद रहा फान रहा रोड, जो गंदगी हो रही है उस पे कुछ नहीं बोलेंगे आप, जो आप गंदगी फैला रहे हैं उस पे कुछ नहीं बोलेंगे। ये दूसरे मुद्दों को उठाकर जो खुद गंदगी फैला रहे हैं, जो ये कूड़ा कर रहे हैं उस पर इनको कुछ नहीं बोलना है। बाकी का आप जो जो गंदगी पड़ी इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो ये पहले पूछ चुके हैं, ये गलती है, हमने कहा गलती है, ये आप पहले बार पूछ चुके हैं, उसको जरूर दिखाइए, उसको काटपीट मत कीजिएगा। आप उसको स्वीकार, जो पहले बार मेरे से इंटरव्यू लिए हैं आप उसको जरूर दिखाइए, उसको काटपीट मत कीजिएगा। उसमें आपने सॉरी बोलवाए हैं, हम सॉरी बोले हैं, पूरा दिखाएंगे। लेकिन हमने भी जो बोला है इसको डिवाइडर के लिए, इसको जरूर दिखाइएगा, पूरा दिखाइएगा। सुनो उसको कह, मैं इसी मीडिया वाले को जानता हूँ, यूट्यूबर को जानता हूँ, उस पर आप पेज चलाइएगा। सर सुनिए, दो दो घंटे की वीडियो डालता हूँ और एक एक यूट्यूबर क्या कर सकते हैं सर, 10-10 हजार लोग देखते हैं, एक एक लाख लोग, और बस मार्शलों को हमने उनके, सुनिए बहुत बुरी बात, सुनिए चैनल बहुत मशहूर है, राष्ट्रीय चैनल है आपका, आप राष्ट्रीय पत्रकार भी हैं, नहीं समझे? हम जानते हैं आपको, आप नहीं जानते, आप नहीं जानेंगे, यादव है, हम जानते हैं क्या होता है राष्ट्रीय चैनल का, और आप क्या राष्ट्रीय है सब जानते हैं। चलिए ये आपने भाई साहब को सुना, आपने सभी जी बिल्कुल राष्ट्रीय चैनल वाले, हमारा काम है, और आप वीडियो देख लेना हमारे चैनल पर जाकर। एक मिनट भाई, एक मिनट, आप भाई रुक जाओ, मैं आपको आपको अपने चैनल का नाम बताऊंगा, आप देख लेना, हमारे चैनल पर पूरी वीडियो मिलेगी, कहीं भी कुछ भी कटा हुआ नहीं मिलेगा। अगर कटा हुआ मिल जाए तो आप कमेंट करके बता देना कि इस वीडियो में ये नहीं दिखाया गया, जो भी हमने वीडियो में यहाँ पे शूट किया है सारा कुछ दिखाया जाएगा ईमानदारी के साथ। साफ करने वाला आएगा तो आप गंदगी फैलाओगे क्या चे? साफ करने वाला पैसा लेता है, फिर चोरा के थोड़ी ना होता है भैया। इधर इधर आइए, कितना पैसा लेता है आप क्या चे? पैसा जय एमसीडी में हुआ तो ये वीडियो वीडियो नहीं बनाइए, ठीक है? नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे वीडियो? वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे वीडियो? क्या चीज का वीडियो बनाइएगा? क्या मीडिया से क्यों नहीं बनाएंगे वीडियो? मीडिया से हमारा, मैं तो आगे जाए, वहाँ देखिए उठा के उन्हें साइड कर दीजिए, अच्छा उसके बाद वीडियो बनाइए। तो आप गंदगी फैलाएंगे? कौन गंदगी फैलाया? जो ये गंदगी फैल रही है, जो ये गंदगी फैल रही है, यहाँ खाली फैल रहा है, हर जगह फैल रही है, हर जगह वहाँ पूछ लीजिए। तो आप क्यों गंदगी फैला रहे हैं? कहाँ फैल रहा है दिखाइएगा तब तो। ये जो यहाँ पर ये चश्मे के निकाल निकाल डाल रहे हैं, ये यहीं पे रहता है, यहीं पे थोड़ी ना रहता है। आप कह रहे थे ना कि सब पैसा देते हैं, कितना पैसा देते हैं? क्या चीज एमसीडी को कितना पैसा देते हैं आप? लेबे तो करता है पैसा, कितना ले रहा? साफ करने का डेली लेता है 5 रुपया। 5 रुपए डेली का? 5 रुपए में सफाई हो जाती है आराम से? अगर वो आपसे पैसे ले रहे हैं तो आप ऐसे जमीन पे कूड़ा फैलाएंगे?
फाइल थोड़ी ना रहता है भैया, दिखाइए कितना है, इधर भी वीडियो कर लीजिए, दिखा दीजिए, ये भी दिखा दीजिए, पूरा तो पूरा होता है, पूरा तो पूरा होता है, इतनी टाइल लगवाई है सरकार ने, इतनी सुंदर सुंदर टाइल यहाँ पे लगवाई है, इसलिए लगवाई है कि यहाँ पर कूड़ा फैलाया जाए, पान खाकर गुटखा खाकर थूका जाए, इसलिए लगवाई है सरकार ने। ये देश आपका है कि नहीं है? हाँ, देश तो है। दिल्ली आपकी है कि नहीं है? तो दिल्ली को गंदा करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, ये साफ करने की जिम्मेदारी आप। क्या जी, सफाई होगा ना भैया? कौन करेगा सफाई? आप हम करेंगे, और कौन करेगा? क्या जी, कितना सफाई है? गंदगी भी तुम ही करोगे, गंदगी तुम ही कर रहे हो ना। कहाँ के रहने वाले हो? क्या जी, बिहार के। बिहार से यहाँ पे दिल्ली में गंदगी फैलाने आयो क्या? बिहार से यहाँ दिल्ली रोजगार करने आयो? रोजगार करने आयो, गंदगी फैलाने आयो? यहाँ रोजगार आते थे ना, साफ करते हैं। साफ करते हैं या नहीं? क्या साफ करते हो? अरे वो है जो शाम के शाम सफाई होता है। कौन करता है शाम के शाम? आप करते हो? हाँ, अभी करते हैं। आए क्यों पूरा सफाई क्यों नहीं करता? बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाकी वो वहाँ से ही डाल दिया आपने? अरे तो वहाँ से उधर रख देंगे। ये भी तो जमीन ही है, ये भी तो जमीन। अरे वहाँ डस्टबिन है, देखे वहाँ डस्टबिन के एक बार वीडियो बना। डस्टबिन में कौन डालेगा? हम डाले, लगा हुआ है। क्या आपने तो उठा के इधर ही डाल दिया, तो उसमें क्यों डाल दिया? आप वहाँ डाल, बढ़िया से जगह में डाल। भाषण दीजिएगा। ओए भाषण देने का बात नहीं है, और भाषण दीजिएगा। अच्छे बात होता है, उस बात का बात बोल रहा हूँ। चुपचाप रहे, तो मार लेगा। क्या मारेगा तू मुझे? क्या चीज, क्या मारेगा? क्या चीज हुआ? क्या मारेगा? क्या चीज हुआ? हुआ क्या चीज? मारेगा तू मुझे? यहाँ साफ साफ कर रहा हूँ, तू साफ कर रहे हो? क्यों करोगे? झाट भर दारू पी लिया। हाँ दारू पी लिया, उसने दारू पी लिया। आप तो बिना दारू पिए नशे में लग रहे हैं, बिना दारू पिए नशे में लग रहे हैं। तुम तो बिना दारू पिए नशे में लग रहे हो। वीडियो मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, तुम तो बदमाशी दिखा रहे हो यार। तो फेमस होना थोड़ी ना हमको, भी आज वीडियो बनाएंगे। नहीं तुम कह रहे हो ना हमको रोक रहे हो कि वीडियो मत बनाओ, यहाँ मत करो, हमारा काम करने से रोक रहे हो तुम, बदमाशी कर रहे हो यार तुम तो। तुम तो बदमाशी कर रहे हो यार बिहार से आके यहाँ पे, मतलब वो ये एक बिहारी सब पे भारी बदमाशी में या गंदगी फैलाने में? भाई एक बिहारी सब पे भारी गंदगी फैलाने में है या फिर बदमाशी करने में, या कभी कोई अच्छा काम भी करोगे? अच्छा काम क्यों नहीं? तो आपने वहाँ से कूड़ा उठाया, यहाँ डाल दिया, जगह तो वही बात तो वही हो गई, डस्टबिन में तो नहीं डाला हमारे कहने के बाद भी, जमीन में तो गंदगी तो रोड रोड पे ही है ना। अच्छा ठीक है, हटा देंगे। कब हटाएंगे? अभी हटा देंगे। हटा लो। ये आप अपने घर में ऐसे गंदगी तो नहीं फैलाते हो या फैलाते हो? घर में खाना खाता हूँ। घर में गंदगी फैलाते हो ऐसे? जब जिस समय तेरे सामने प्लेट रहता है, अब आप रोज आप लोगों का देखो, आप लोगों का रोजगार चल रहा है, चाहे आप 200 रुपए का बेच रहे हो, है ना? यहाँ पे कुछ नहीं रहता, ठीक है, साफ होता, सब चीज हट जाता, वो जो अभी बोल रहे हैं चश्मे का, सब हट जाता है इसी कारण था। नहीं तो ये बात जैसे जिस लहजे में अभी आप बात करो, ये लहजा पहले तो नहीं था शुरुआत में, इतना समझाने के बाद आपका लहजा गिरा ले, कह रहे हैं कि गिरा ले इसको उठा होगा भैया। आप लोग नहीं, हम तो इसको बोल रहे हैं ना जो हल्ला कर रहा, हम आपको कुछ बोल रहे हैं? मैं आपको भी यही समझा रहा हूँ कि देखो आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। ठीक है भैया, सॉरी, गलती होगी। यही लहजा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, बदमाशी नहीं करते। अगर हमारी गलती हो तो झुकने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका रोजगार चल रहा है यहाँ से, है ना? तो इसको साफ करने की, देश विदेश के लोग आते हैं कैमरा लेके, वो सिर्फ यही शूट करते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है, गलती को स्वीकार करो और गंदगी मत फैलाओ, अपना काम करो, रोजगार कमाओ, कोई चीज है उठा के डस्टबिन डाल दो। पता क्या होता है, सुनो, आप, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। पता हूँ क्यों? क्योंकि हम विदेश में जाते हैं ना, वहाँ की सड़कें चमचमाती हुई साफ होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ के लोग साफ सुथरे हैं, वहाँ के लोग बहुत साफ सुथरे भी है, बहुत ज्यादा। वहाँ के लोग इतने साफ सुथरे, अपना अगर रोड साफ रहेंगे तो अपना देश साफ दिखेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ सबसे कि भाई बड़े 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 लोग आते हैं, है ना? वीडियो बनानी देते हैं हमारे चैनल पे, मिल जाएगी आपको पूरी, हमारे ना भारत नई आवाज यूट्यूब चैनल है, देख लो। मैं वही कह रहा हूँ कि देश विदेश के लोग आते हैं, ठीक है, वो कैमरा, बड़े बड़े कैमरा लेके आते हैं, वो ये नहीं दिखाएंगे कि कितनी बड़ी ताजमहल कितना बड़ा बड़ा हुआ है और लाल किला कितना बड़ा, नहीं दिखाएंगे। वो उनका मेन हो रहता है बड़े बड़े शहर के, जो कैमरे सामने से हटो, वो आते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया में इतनी गंदगी है,
अरे यार तो देश ऐसे ही है, अरे भैया हमारा इंडिया, आज हमारे इंडिया के लोग दूसरे तरफ में जाते हैं तो तारीफ करते, तो तुम हमारे इंडिया में आते हो तो हमारी भी तारीफ करने को होना ना। वो तारीफ करेंगे कहाँ से, क्योंकि गंदगी हम फैलाते हैं। अब ये देखिए, देखो वो बीड़ी पी रहा है, वो उन्होंने वहाँ पे बीड़ी फेंक के चले गया, धूम्रपान भी हो रहा है, लोगों को नुकसान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो करना ही क्यों, पॉल्यूशन अलग, बीमार हो रहे लोग, गुटखा खा रहे हैं, वहीं थूक रहे हैं, वहीं निशान, ये देखो ये निशान देखो, ये देखो कितना सुंदर यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनाया है, लाल किला है, लाल किला जैसी सुंदर जगह है, सरकार ने अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर टाइल लगवाई है, लेकिन हम दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं साले, ये गंदगी कर रहा है, ये गंदगी का तू हटना वहां से, काका भाई साहब बोल रहा मेरा भाई, इन्हीं के कारण तो देश खराब हो रहा है, गलत नहीं बोल रहा हूं, ये गंदगी फैलाना, ये पूरे रोडों में देखो हर जगह ऐसे ऐसे गंदगी है ना, पुराने दिल्ली में चल जाके देख लो, काला पुरानी दिल्ली, ए ऐसे बड़ा दिल्ली है, देखो देखो भाई कह रहा हूँ, बड़े भाई इन लोगों को मैं समझा रहा था, ये भाई गुस्सा हो गया जब मैंने इसको बोला कि भाई यहाँ पे तुम्हारी रोजगारी है, तुम यहीं पे डाल रहे हो, कह रहा दो ही तो डाले, अबे दो डाले, गंदगी तो हो रही है, एक एक करके तो गंदगी होती है। हाँ सही बात है, गंदगी क्या है, गंदगी नहीं करना चाहिए, स्वच्छता भारत का अभियान का अपने को सबको संकल्प लेते हुए, अपने को सबको उसको लेते हुए यानी सुधार के साथ चलना चाहिए, सफाई करना चाहिए, सब कुछ सही रहेगा, अगर अपना देश साफ रहेगा तो सब कुछ साफ रहेगा, अपने देश के ह्यूमिनिटी अच्छी रहेगी, लोग बीमार नहीं होंगे, सब कुछ स्ट्रगल पे। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है रिजवान तिगाला, मैं हूँ गोंदिया से, महाराष्ट्र से। बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार भी दोबारा से बीजेपी आ गई है। हाँ बीजेपी आ गई ना हमारे गोंदिया में फिर से। तो अब मेरा देखो क्या है कि अगर हम लोग देख के भी अनदेखा करें है ना, देश को जागरूक नहीं करें तो फिर मीडिया का काम क्या रह गया, सिर्फ सिर्फ क्या नाम पॉलिटिकल खबरें दिखाना वो काम नहीं है, अगर गंदगी भी दिखाना है हमारे को, उसके साथ में सब दिखाना है दुनिया में क्या चल रहा है। अगर इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली की जनता या देश की जनता देख रही है और वो अपने अपने शहरों में सफाई करना शुरू कर दें, 10-20 लोग भी सुधर जाएं तो मुझे लगता है कि वो भी काफी है। 10-20 सुधरेंगे, वो 10-20 को देख के फिर 10-20, ये जो मल्टीपल है ये चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, मल्टीपल है चलता रहेगा। अब ये भाई हैं यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, अगर ये आगे से सुधर जाते हैं, आगे से यहाँ पे गंदगी नहीं होने देते तो इनके लिए फायदा है, कोई इनको हटाएगा नहीं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, गलत कह रहा हूँ है ना, आप भी बोल पाओगे। सही बात है, थुकरे कर रहे हैं उनको मना करो ना, डस्टबिन क्यों है, डस्टबिन इसीलिए जो फेंकना है थूकना है डस्टबिन में करो, और एक डस्टबिन तुम भी रखो भाई, मैं कहूंगा तुम्हारा रोजगार चल रहा है, कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, कि हम लोग का कच्चा यहाँ पे नहीं होता है ना, नहीं देखो गुटखा खाते हैं ना, देखो गुटखा खाते हैं, गलती नहीं उनको बोले ना, दुकान मेरा थोड़ी ये है, दुकान आपका नहीं है, इनका दुकान, इनको बोलिए, अरे सॉरी सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, पर आप हम लोग सब जिम्मेदार हैं, मैं इसको गलती नहीं दे रहा, हम भी जिम्मेदार हैं, मेरी बात नहीं कर रहे, यानी अपन सब है, अपन एक भारतवासी है, हाँ ये देश अपना है, स्वच्छ भारत अभियान सिंपल सी बात, आपको मालूम है स्वच्छ भारत अभियान, तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप धंधा करो, धंधा करना मना नहीं है, 10-20 रुपए की डस्टबिन आती है वो रखो, डस्टबिन लाओगे कल, कल से ले आएंगे, मैं कल फिर आऊंगा देखने के लिए, ठीक है ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा यहाँ वीडियो बनाने, अगर यहाँ पे मेरे को डस्टबिन नहीं मिला मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, एक डिब्बा रहेगा, एक डिब्बा होना चाहिए, और ये जिस तरह से ये गुटके आपके पड़े हैं ना, ये दिखाइए एक बार, ये जिस तरह से पन्नियां पड़ी है, पड़ी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी गुटका खा के यहाँ पे थूकना नहीं चाहिए, है ना, थैंक यू भाई, नव भारत पे देख लेना, थैंक यू, नव भारत नई आवाज यूट्यूब चैनल हमारा, नव भारत नवी आवाज, नई आवाज, ये दिखाइए, और ये दिखाइए गुटखा खा के लोगों ने यहाँ पर थूका है, भाई गुटखा खा रहे हो है ना देश को गंदा करने के लिए, या देश पे गुटखा खाकर एहसान कर रहे हो, गुटखा खाएंगे यहाँ थूकेंगे और ये लाल किले के बाहर ये गंदगी फैलाएंगे, और देश विदेश के लोग आएंगे बड़े बड़े कैमरा लेके ये शूट करके लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि देखो भारत कितना साफ सुथरा है, कितना गंदगी है, भारत विश्वगुरु कहां से बनेगा जब हम इतनी गंदगी फैलाएंगे। मैं आपको बाहर की गंदगी तो दिखाई कि लाल किले के बाहर जो गंदगी पड़ी है, अब देखिए मेरे पीछे ये लाल किला है, बिल्कुल लाल किले के पास सामने मैं खड़ा हूँ, इधर से आइए, इधर से जरा सामने से आइए, बिल्कुल लाल किले के सामने मैं खड़ा हूँ, और ये लाल किले के अंदर की जगह है, और इधर दिखाइए ये मेला लगा हुआ है लाल किले के अंदर, जहाँ पर भारी तादाद में लोग घूमने आ रहे हैं। अब बारी आती है उस विषय की जिस पर मैं एक घंटे से बात कर रहा हूँ, गंदगी की, ये दिखाइए जरा जमीन दिखाइए और चारों तरफ दिखाइए किस तरह से गंदगी फैली हुई है, ये दिखाइए, बोतल कहीं पड़ी हुई है, कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, चारों तरफ पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और घूमने के साथ साथ ही गंदगी फैलाते हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी एक अच्छा नागरिक होने
की सूझबूझ दिखाने की, अच्छा नागरिक होने का कोई परिचय नहीं दे रहे हैं। आप ये दिखाइए पन्नियों की, जो पन्नी बैन होनी चाहिए, गंदगी फैल रही है उसी हिसाब से कितनी ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पर लोग। लोग घूमने आते हैं लेकिन घूमने के साथ साथ ही गंदगी फैलाते हैं। आपने बाहर का कचरा देखा और बाद फिर जब विदेशी लोग यहाँ पर आएंगे बड़े बड़े कैमरे लेकर, तो वो ये इमारत कैप्चर नहीं करेंगे, वो ये मेला कैप्चर नहीं करेंगे, वो ये कैप्चर करेंगे गंदगी, ये देश की गंदगी, और दिखाएंगे कि भारत कितना गंदा हो रहा है। सर आप वीडियो बना रहे हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सर आप एक बात बताओ, ये जो लोग हम लोग गंदगी कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं हम लोग? जी सर, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये सर पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर सब बाहर के भी आते हैं लोग घूमने, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ा मेरा प्रश्न यही है, मैंने आपने भी देखा होगा देश विदेश के जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो लोग आते हैं, उनके पास हर किसी के पास कैमरा होता है, अच्छे मोबाइल फोन होते हैं। उन लोगों को मैंने कभी लाल किले का वीडियो बनाते नहीं देखा, कभी ये मेला जैसे सुंदर चीजों का वीडियो बनाते नहीं देखा, मैंने उनको वीडियो बनाते देखा इस गंदगी का। इसके विषय में क्या कहेंगे? तो सर उनके कंट्रीज में उनको बिल्कुल साफ सफाई वातावरण दिखता है, और हमारे यहाँ बिल्कुल जो देखने लायक चीज है, लेकिन इसके अलावा गंदगी के ढेर दिखते हैं, तो वो इसी को जाकर रिप्रेजेंट करते हैं जाके, और यही हमारी छवि बनती जा रही है इंटरनेशनल, यही हमारी छवि बनती जा रही है बिल्कुल। कितना मतलब है ना, अपन इतने आगे बढ़ रहे हैं फिर भी हमारे पब्लिक प्लेस में देखिए कितने गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, तो कभी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दूसरे देशों में ले जाते, तो हमको भी ये प्रयास करना चाहिए, कम से कम हमारा प्लेस है बिल्कुल जो है साफ सुथरा दिखे, ताकि रिकॉर्डिंग वगैरह बाहर जाएं तो कम से कम उनको भी अच्छा वातावरण दिखे। मैंने अभी बाहर की वीडियो बनाई, जो गुटके पान तंबाकू वाले लोग लगा रखे हैं, उन्होंने लोगों ने गुटका खा के जो डस्टबिन लगा होता है साफ सुथरा स्टील का डस्टबिन, अच्छा चमकना चाहिए, उसके ऊपर और रोडों पे इतनी सुंदर सुंदर टाइलें लगाई हैं मेट्रो के ऊपर, लोगों ने वहाँ गुटका पान तंबाकू खा के इतना थूका हुआ है, रेड रेड कर रखा है पूरा। बिल्कुल, मैं अभी आया था तो मैं भी देख रहा था, गुरुद्वारा के आगे बिल्कुल डस्टबिन लगी हुई थी, इसके बावजूद भी वहाँ पान के पीक वगैरह इतने गंदे हो रहे थे, तो हम खुद ही ये कर रहे थे, मैंने देखो यार कितना बढ़िया मतलब वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ सब कितनी गंदगी के ढेर लगे। सरकार ने अपना काम कर दिया, सरकार ने पैसा लगा के एक बार अच्छी अच्छी टाइल लगा दी, सुंदर डेकोरेट कर दिया, अब उस डेकोरेट मेंटेन करने का किसका तो पब्लिक का काम है, हमारा काम है बिल्कुल, प्रत्येक आदमी का दायित्व है कि सरकार इसमें थोड़ी जगह जगह आके देखेगी, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि अपने जो है बिल्कुल आसपास में साफ सफाई रखें, कोई भी चीज खाते हैं तो उसको डस्टबिन में डालें, ये हमारा दायित्व है। बहुत अच्छा लगा सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा राजेंद्र मीना है। कहाँ से राजेंद्र? जी मैं गंगापुर सिटी से हूँ, सवाई माधोपुर गंगापुर। तो यहाँ घूमने आए हैं ना? जी मैं। अब आप खुद बताइए, आप तो चलो देश के बंदे हैं, आप तो भारतीय हैं, आप वहाँ से घूमने यहाँ पर आए हैं, अगर ऐसी गंदगी आप देखेंगे वो भी लाल किले की बिल्डिंग के सामने, क्या छवि आपके मन में बन रही है दिल्ली की? सर वही है ना, मैं अभी आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि चलो छोटी सिटी में हम रहते हैं तो वहाँ तो चलो एक स्वाभाविक रूप है गंदगी के ढेर है, लेकिन जब यहाँ एक बिल्कुल विश्व स्तर पे जो हमारे जो है ये विश्व धरोहर है, ये तो हमारे देश को जो है स्थल हैं सारे, और उस पर भी हमको ऐसा दिख रहा है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ से गंदगी के ढेर लगे हो, जबकि इसमें तो बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण देखने को मिलना चाहिए था हमें। बिल्कुल मिलना चाहिए था, ये सिर्फ MCD की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। अगर हम दिल्ली की नागरिक, दिल्ली की जनता या जो भी यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, वो अपना दायित्व नहीं निभाएंगे, वो अगर गंदगी फैलाएंगे, कोई पानी पी रहा है ये बोतल यहाँ पर डाल दी, किसी ने पॉलिथिन डाल दी जबकि ये बैन है, तो सिर्फ क्या MCD कुछ कर सकती है अगर हम अपना दायित्व तो नहीं निभाएंगे? सर अब वो तो अपना प्रयास करती हैं, लेकिन हमें रेलवे में जाइए, एक भी बोगी में आपको साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट में है भी गंदा। आप ये क्या खा रहे हैं? ये तो मेरा अलग चीज है। है क्या ये चीज? ये तो बात का बात है, सुनिए। है क्या वैसे, ये तो भाई आप भी तो इसमें सहयोग कर रहे हैं भाई, आप खाओगे अब इसके बाद कहाँ थूपोगे आप, सारा इधर उधर जगह पे, तो ये बात आप थूकने का मत तो बोलिए मत, थूकता नहीं है, पॉकेट में थूकेंगे या पन्नी में थूकेंगे? थूकने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे फिर आप? हमको जहर खिला दिया, हम थूकेगा नहीं, अंदर ले लेंगे। हाँ ये तो सर कहने सुनने के लिए अच्छा है, सही तो बिल्कुल ये होता ही है, कहने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस बात में ये भी आप जहर को निकल रहे हो तो वो जबरदस्ती तो कर रहे हैं है ना, इसके बावजूद आप देखिए मतलब उपदेश देना इजी होता है, लेकिन उस चीज को निभाना एक बड़ी वो चीज़। निभाना आप NBNS न्यूज, मैं हूँ DY365 न्यूज चैनल, मेरा चैनल अलग है, न्यूज लाइव एनी न्यूज, मेरा चैनल बहुत सारा है, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा का वो चलाता है। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी यही एक सर एक उदाहरण मैं आपके थ्रू देना चाहूंगा कि एक बार मैं बूंदी गया था घूमने के लिए, तो वहाँ देखो बूंदी एक हमारे जो बहुत अच्छा है, सारे विदेशी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ, तो रोड पे एक हमारे जो है फॉरेन के एक लेडीज थी, तो वो काफी देर से
केले का छिलका लेके और रोड पे चल रही थी, तो काफी देर हो गई उनको चलते चलते, उनको कहीं भी डस्टबिन नहीं मिला। तो एक ने वैसे ये सब बोला, अरे मैडम ये तो कुछ नहीं, आप कहीं भी फेंक दीजिए। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ इस चीज को सुन के, मतलब इसको डस्टबिन में नहीं फेंकना, कहीं फेंक दो, रोड पे डाल दें हमेशा, कि आपके यहाँ ऐसा चलता है, हमारे यहाँ तो हर चीज का मतलब डस्टबिन। तो आप देखिए, मतलब बूंदी एक जो इतनी अच्छी जो है नगरी उसमें है, और वहाँ विदेशी घूमने आया, उसको अपन ही ऐसे बोला कि आप इसको कहीं भी फेंक दीजिए, जबकि वो तो एक फॉलो कर रही थी कि मैं कहीं इसको डस्टबिन मिले तो उसमें डालूं। तो ये चीज़ हमारा इतना दायित्व है कि जहाँ सारे गवर्नमेंट जो है लगाती हैं सारे डस्टबिन लगा रखे हैं, जगह जगह मना भी कर रखा है, यहाँ थूपे नहीं, यहाँ पेशाब नहीं करें, इसके बावजूद भी हम उन चीज़ों बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल लापरवाही दिखाते हैं, और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हम निभा नहीं सकते, और जो निभा रहे हैं उनको हम रोक समझा उनको और टोकते हैं। अब हमारे सामने ही साक्षात एक लाइव एग्जांपल है, भाई साहब खड़े, इन्होंने गुटखा खाया, गुटखा जबकि सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्या था वो ओनली क्या बोले, चलिए अब आप शब्द नहीं है आपके पास, क्योंकि हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं सच्चाई क्या है। और फिर आपने अभी थूका, चलो वो तो आपने तुरंत डाली तो थोड़ा सा थूका, जब आप ज्यादा देर खाएंगे वो रेड होगा, रेड होने के बाद जब थूकेंगे तो देखिए ना, ये इधर देखिए, ये दिखाई थूकने के निशान दिखाइए, थूक जी, मेरा जो कर्तव्य हो गया मैं कर चुका हूँ, उसके लिए मैं लाखों बार आपको माफी मांगता हूँ। वो करते ही है ना सर, एक बात बताइए, अभी अपनी जनरल रेलवे की ट्रेनों में आप देखिए, जब मूंगफली खा रहा है तो गुटखा खा रहा है तो सारे गंदगी के ढेर है। मैं मेट्रो में बैठ गया था, मेट्रो में क्यों फॉलो होते हैं सारे चीजें, वहाँ इस तरह के रूल क्यों है, वहाँ इस तरह के रूल क्यों है कि आप एक कुछ भी खा के, कितना अच्छा वातावरण दिखता है, ट्रेन कितनी अच्छी दिखती है, बाहर के भी आते देखते कि यार मेट्रो ट्रेन कितनी बढ़िया, कितना साफ सुथरा प्लेटफॉर्म, साफ सुथरा है, कहीं भी जाएं अपने स्टेशन पे साफ सुथरा, वहाँ क्यों फॉलो हो जाते हैं, और फॉलो हो रहा है तो कितना अच्छा वातावरण दिख रहा है, अपना भी मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, देखिए कितना साफ सुथरा बात, जबकि आप ट्रेन में देखिए, ट्रेन में बोगियों में तो कहीं देखिए टॉयलेट करने नहीं घुस सकते, इस तरह का वातावरण है। तो वो कोई रेलवे की गलती थोड़ी है, वो अपन भी तो यूज कर रहे हैं, मतलब टॉयलेट में किसी ने कहा पॉलीथीन वहीं डाले आए तो वो तो ब्लॉक होना ही है, बोतल वहीं डाल देंगे, बोतल वहीं डाल देंगे, वहीं छिलके विलके सब डाल रहे, खा पी के अपना हाथ पोछा हुए, मूंगफली खाएंगे फ्लोर पे डाल देंगे, तो वो डालना तो अलग बात है, तोड़ के रख देता है, इलेक्ट्रिक में बना के जाना पड़ता है। मैं जब भी ट्रेन में चढ़ता हूँ साहब जी, इलेक्ट्रिक का हो, बाथरूम का हो, हर चीज का एक एक चीज सामान गायब है। नहीं, यहाँ सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ जनरल बात हो रही है कि दिल्ली की जनता और जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, उनका दायित्व तो क्या है, ये सिर्फ हमारे भारत का दायित्व। बहुत अच्छा लगा सर आप साहब बात करेंगे, आपके भी जो चले नव भारत नई उमंग, आपके जो है बिल्कुल नव भारत नई आवाज, नई आवाज बिल्कुल आपके तरह, ये है कि बिल्कुल हमारा जो भारत आज जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमें भी आम आदमी को भी अपनी सोच भी उस हिसाब से आगे बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये चीजें साकार होती है, गवर्नमेंट करने से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट अपना काम करती है। अगर हम सारी जो चीजें गवर्नमेंट पर डाल देंगे, सरकारी कर्मचारियों पर अगर जिम्मेदारी थोप देंगे, तो हम अपनी भूमिका क्या निभा रहे हैं, बिल्कुल सही बात, हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपने देश को कैसे साफ कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा दायित्व है, बड़ी एक जिम्मेदारी है। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और अगर आप जैसे आपकी बात सुन के अगर 10-20 लोग भी वीडियो के माध्यम से सुधर जाते हैं, वो अगर गंदगी नहीं फैलाते, तो मुझे लगता है यही बदलाव की शुरुआत होगी, है ना, मुझे बहुत संतुष्टि होगी सर, मेरे को अगर एक हल्के से मैसेज से अगर दो आदमी भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे बहुत संतुष्टि होगी इस चीज की। बिल्कुल सही बात है, और आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, कई बार हमने भी देखा है, हम लोग भी जब जाते हैं ना कहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बना रहा था कि एक रोड के किनारे फुटपाथ पर पेशाब घर बना रखा है, ठीक है, और इतनी ज्यादा बदबू आ रही वहां से निकला नहीं जा रहा, जबकि हम लोग भी काफी देर से, मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था, मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने देखा 2-4 लोग वहाँ पे खड़े होके पब्लिकली, और औरतें निकल रही हैं पब्लिक के देख रही हैं, हम लोग वीडियो बनाने लगे। आप यकीन नहीं करोगे, एक गाड़ी से बंदा आता है, 4 पहिए की गाड़ी से, अच्छी गाड़ी लेके, चमचमाती हुई गाड़ी लेके आता है, फुटपाथ के किनारे रोकता है और उतर के चैन खोल के खड़ा हो जाता है। जब हमने वीडियो बनानी शुरू करी तो आके हमी से झगड़ा करता है, हमारा कैमरा छीनने की कोशिश करता है, फिर जब हमने 100 नंबर फोन किया तब वो वहाँ से भागा। ये है जनता की सोच। अब ये देखिए ना, जो कोई भी थोड़ा कदम उठाते हैं इस चीज़ में, तो उसको ही गलत समझते हैं कि आप जिस तरह की वीडियो नहीं बना सकते हैं, आप हमें इस तरह से पब्लिश नहीं कर सकते, ये गलत बात है बिल्कुल, उल्टा हमारी गलती दिखा रहे हैं कि भाई तुम ये क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और गाली गलौज करने लग गया। वो हमारी वीडियो अलग से बनी हुई है, एक अलग से, जो हम अपने चैनल पर डालेंगे। अब यही है कि आप ऐसा काम करो ना, जो आप दिखाएं तो हमें भी फक्र हो, भाई आप ऐसा करो ना, इस तरह के काम ही क्यों करते हो जो आपको डर लगे करने के लिए, भाई किसी भी चीज़ के आप नशा पत्ता करते हो, खुलेआम नहीं कर सकते, उसको छुपके से करना पड़ता है, क्यों करते हो ऐसा काम, जहाँ जिस चीज को अपन को चोरी छिपे करना पड़े, छुपके करना गलत काम है, तभी गलत काम है, तभी तो आप चोरी छिपे कर रहे हो, उसको खुलेआम क्यों नहीं करते उस चीज। अच्छा, मेरा वन क्वेश्चन जी, आज जी न्यूज का जो एडिटर है, क्या नाम है जी न्यूज के एडिटर का, यहाँ पे क्या काम आ गया? नहीं, सॉरी,
सुधीर चौधरी ने क्या है? सुधीर चौधरी जी न्यूज में नहीं है, वो आज तक में चले गए हैं। क्या काम पड़ गया सुधीर? चलिए यहाँ पर जी न्यूज से लेना देना नहीं है हमारे। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू सर, अपने व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे। चलो जी जी, थैंक यू, आप लेते रहिए। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोशिश करिए कि थूकना मत यहाँ पर, है ना? हाँ, तो आप देखिए, प्रणाम करता हूँ, माफी मांगता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा, सॉरी, कोई बात नहीं, आपने स्वीकार किया, यही हमारी बदलाव की शुरुआत है, हमारी वीडियो बनाने का पर्पज साकार हो गया, आपने स्वीकार कर लिया कि आपने गलती की है, आगे नहीं करेंगे। और ऐसे ही अगर स्वीकार कर लें हम लोग, ऐसे ही हमारी दिल्ली की जनता, देश की जनता खुद को बदल ले। आपने देखा भाई साहब ने एक लाइव एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि एक विदेशी महिला केले के छिक्कल को घंटों से लेकर घूम रही थी, उसको डस्टबिन नहीं मिला, उसने नहीं फेंका। अगर ऐसे हम बन जाएं, देश की जनता बन जाए, देश की जनता सुधर जाए, तो हमें लगता है हमारे भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने वीडियो में देखा जो मैंने पहले गंदगी दिखाई थी, ये हमारा ठेली वाला भाई है, ये सारी गंदगी यहाँ जमीन में पड़ी हुई थी, दिखाइए, ये डस्टबिन में कूड़ा पड़ा हुआ है, ये सारा कूड़ा जमीन में पड़ा हुआ था। हमने यहाँ पर शूट किया, वीडियो कवर करी, और भाई से समझाया, भाई को बात समझाया कि आपका रोजगार है, यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, अच्छा नहीं रहता है। अभी जब हम लाल किले के अंदर से गंदगी की वीडियो जो बनाकर आ रहे हैं, लाल किले के अंदर से लौट के आए हैं, तो मैं देखता हूँ कि भाई ने ये सारा साफ कर चुका है, खुद अपने हाथों से उठा के उसने डस्टबिन, यानी कि जो डस्टबिन रूपी जो यहाँ पर इसने रखा हुआ है, उसमें सारा भर दिया है। तो भाई बहुत अच्छा लगा यार तुम्हें देख के, तुमने तुरंत ही साफ कर दिया था? तुरंत ही साफ कर दिया, तुरंत ही साफ कर दिया। हमने आपको वीडियो बनाई, यहाँ पर समझाया, तो उसका समझ आ गया आपको? है हाँ जी, बहुत अच्छा लगा यार तुमने, मतलब अपने हाथ से भरा, किसी और से भरवाया? अपने हाथ से भरा। खुद तुमने भरा? खुद भरा। अब ये लोग जो खा रहे हैं कस्टमर लोग, इनको क्या बोलोगे? हम डाल डस्टबिन में बोलोगे, इनको बोलेंगे, और जो लोग आएंगे सबको बोलोगे? सबको बोलेंगे। बहुत अच्छा यार, शाबाश यार, ये बदलाव की शुरुआत है, हमारी वीडियो से एक बंदे के अंदर बदलाव आया, अपना रोजगार भी कमा रहा है। कुछ देर पहले आए थे, जितने भी आप जैसे कस्टमर खाते हैं, डस्टबिन में डाल के जमीन पर डाल दिया था, बहुत गंदगी थी भाई। यहाँ पे देखो देश विदेश से लोग आते हैं घूमने, प्रसिद्ध इमारत है, हमारे देश की क्या छवि लेके जाएगा? गलत कह रहा हूँ? हम लोग अपने घर में कभी गंदगी करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन देश में गंदगी करते हैं। लड़के को हमने समझाया, जब हम अभी अंदर से वीडियो बना के आए हैं, अभी लौटे हैं, तो देखा यहाँ पे सारा कुछ डस्टबिन में भर दिया आदमी ने। पूछा किसने भरा? इसने, बोला हमने भरा। तो जब हम गंदगी दिखा रहे हैं, तो इसका अच्छा काम भी दिखाएंगे कि अच्छा काम किया है, ताकि लोग देखें, कमेंट करें, कमेंट करके इसकी तारीफ करें, प्रशंसा करें, बताएं। सही कह रहा हूँ भाई? फुल्की खा लो, फुल्की फुल्की खा लेंगे, वो तो अच्छी बात है, पर सही नहीं, नहीं सही बात है, जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही बोलेंगे। पहले यहाँ पर गंदगी थी, हमने इसको समझाया, इसने अपने हाथ से उठा के सारा पूरा भरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गंदगी साफ कर दी, बहुत बढ़िया करा। तो जब हम जो गलत चीज है वो दिखा रहे हैं, तो जो अच्छा हो रहा है वो भी दिखाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि बहुत गंदगी है यार सर, दिल्ली में गंदगी करने वाले हम ही हैं सर। अरे पर सुधरते क्यों नहीं यार लोग, मैं तो ये कहूँ, यही हमारे इंदौर में आओ सर। सर बिल्कुल आ गई ना वही बात, यही इसी बात पे एक घंटे से वीडियो बना रहा हूँ मैं, लोगों को समझा रहा हूँ। कई लोग तो मेरे पे झगड़ा कर रहे हैं, तो तुम क्या दिखा रहे हो, हैं तुम ये दिखाओगे? मैं तो कहता हूँ कि गंदगी दिखाओ यार, भयंकर कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे यार, समझ में नहीं आती इतनी गंदगी। मतलब मैं आया तो बदलाव की शुरुआत आज से ही हो चुकी है, मैं बता दूं कैसे। कुछ देर पहले यहाँ पूरा ये जो डस्टबिन वाला ना, सब यहाँ पड़ा हुआ था, बहुत गंदा था। मैं आया, प्लस में ये जो नागरिक खड़े हैं, इनकी भी जिम्मेदारी की, ये इससे भाई से पूछे कि डस्टबिन कहाँ रखा है। हाँ, कहाँ रखा है? तो इस भाई ने बदलाव की शुरुआत आज से हो गई है, एक हमारी वीडियो से अगर एक बंदा सुधर गया है, हमें बड़ा फक्र है, अच्छा लग रहा है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 10 सुधर जाएंगे, कल को गंदगी नहीं करेंगे, शुरुआत हो चुकी है ना। ऐसे ही जैसे आपका जयपुर अच्छा है, हमारी दिल्ली इंदौर, अच्छा इंदौर, जैसा आपका इंदौर अच्छा है, इंदौर तो नंबर वन है यार देश में, इंदौर नंबर वन है, किसी दिन राजधानी भी नंबर वन होगी सर। तो वो चाहते हैं हम भी यार, मतलब मैं यहाँ पहली बार आया हूँ दिल्ली में, तो मतलब देखा कि मैंने बहुत ज्यादा गंदगी यार, कोई अपने आप पे मतलब कोई वो ले रहा ही नहीं चला जिम्मेदारी, इसको बोलते ना। देख लो भाई दिल्ली वालों, ये भाई साहब आए अपनी सिटी की तारीफ कर रहे हैं, हमें भी अपनी कहीं भी कचरा फेंक रहे हैं, मतलब जहाँ जाओ गलियों में, कॉलोनीज में घूमो आप, मतलब जहाँ देखो वहाँ दिल्ली वालों सुधर जाओ यार, मतलब वो सड़ा हुआ, मतलब पूरा कूड़ा कड़कट, मतलब यहाँ की सरकार क्या कर रही है वही समझ में नहीं आ रहा, कौन क्या है, कैसा क्या सिस्टम है यहाँ। सरकार की भी गलती है, और हम नागरिक, मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नागरिकों की, नागरिक हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम दूसरों पर आरोप प्रति आरोप करते हैं तो वो ऐसे नहीं, इतनी बड़ी कंट्री है, करोड़ों में पॉपुलेशन है इसकी, तो
उस हिसाब से पब्लिक के ऊपर के और एमसीडी के भरोसे रहना भी भरोसे नहीं। सर अभी एक अंकल जी हमारे अंदर थे, उनसे हमने बात करी, उन्होंने बताया कि उनकी आंखों देखी बात उन्होंने बताई कि वो कहीं घूमने गए होंगे, एक विदेशी महिला को पास केला उन्होंने खाया होगा, विदेशी महिला ने, तो छिलका फेंकने के लिए उसको कहीं डस्टबिन नहीं मिला तो वो ले लेके घूम रही थी। इस पर एक उसको ऑटो वाला बोलता है मैडम कहीं भी फेंक दो, तो वो कह रही कि ऐसे कहीं फेंक दें। तो ये सोच अगर हम हिंदुस्तानी को हो जाए सर नहीं लगता? चाहिए चाहिए चाहिए, वो सोच सब में चाहिए, हर इंसान में चाहिए, है ना, कि हम अगर केले खा रहे हैं, आपने देखा होगा ट्रेन में मूंगफली खाएंगे लोग सर्दियों के टाइम पे, और जहाँ बैठे हैं उसी के नीचे सीट पर सीट के नीचे डाल देंगे, डालते नहीं डालते? बिल्कुल डालते हैं। अब बताओ अगर हम रेलवे गलती दें तो रेलवे क्या करेगा इसमें? इतने लोग पब्लिक सर्व एक ट्रेन में हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं, है ना, लाखों की तादाद में समझ लो। तो जो रेलवे है वो कहाँ से? अब सेम ऐसे ही है सर, ये लाल किला प्रसिद्ध है, हजारों की तादाद में लोग आए हैं, दिल्ली तो बहुत बड़ा है यार, दिल्ली बड़ा है सर, लाल किले की देख लो प्रसिद्ध जगह है, चांदनी चौक में खड़े हैं, लाल किले के सामने खड़े हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, कहाँ तक एमसीडी भी कहाँ तक अपनी जिम्मेदारी निभाएगी जब तक हम नागरिक जिम्मेदार नहीं बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी से निवेदन है कि अपना कर्तव्य बिल्कुल, और एक दिन आप सिटी से आगे दिल्ली निकलेंगे। हाँ बिल्कुल निकलना जी, अच्छा भारत की राजधानी है भाई, है ना, राजधानी गर्व है हमें, देश की राजधानी है। एक बार तो लोग कहीं और घूमने नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ घूमने आते हैं, विदेशी लोग ज्यादातर मैंने देखा दिल्ली में, तो यहाँ पूरी धरती का बंदा आता है। हाँ भाई सही बात है, ये गढ़ है भाई साहब, आओ इधर से दिखाओ भाई को, नहीं इधर ही ठीक है यार, कैमरे में भी आओ, अच्छा कैमरे में भी आओ, कैमरा उधर है हमारा ना। तो क्या बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये दिल्ली का गढ़ है, पूरे भारत का गढ़ है, इंडिया का गढ़ है, और विदेशों का भी है भाई, विदेशों का भी है, सारे विदेशी आते हैं, लेकिन विदेशी नहीं आ रहे क्योंकि गंदगी ज्यादा हो रही है, गंदगी ज्यादा हो रही है और बहुत लोगों के चक्कर में हो रही है, जब तो हम लोग नहीं देखें तो क्या होगा, देख लो हालत। अब आप तो सुधरेंगे ना? हम तो सुधरे हुए, बिल्कुल बहुत अच्छी लगा, आप सुधर गए, हम सुधर गए, भाई सुधर गया, एक एक करके बदलाव आ जाएगा, लेकिन नहीं सुधरे ना ये लोग, अभी देखो पत्ता गिराएंगे नीचे, नहीं ये मैं बता रहा हूँ भाई, ये पहले जमीन में गिरा हुआ था, हाँ। हमारे वीडियो बनाने के बाद उसने अपने हाथ से भर के इसमें डाला है, शुरुआत तो हुई, शुरुआत हुई ना, शुरुआत होना जरूरी है, किसी ने किया, किसी ने अच्छा काम किया तो उसके अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए, है ना। तो भाई लोगों बस यही आपको दिखाना था, जय हिंद जय भारत, कमेंट कर हमें जरूर बताएं अपनी राय।